महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना सेवा को साधना मानकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन और परिवर्धन के लिए हुई है। शिक्षा परिषद की संस्थाओं का मूल उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र के लिए समर्पित युवा खड़ा करना है। कोरोना की वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में शिक्षा परिषद की संस्थाओं की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। शिक्षण संस्थाओं का काम वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना तो है ही, साथ ही सामाजिक जन जागरण भी महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा परिषद की सभी संस्थाएं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करें, अपने विद्यार्थियों अभिभावकों के माध्यम से कोरोना से बचाव के उपायों पर आम जनता को जागरूक करें, इस कार्य हेतु जन जागरण अभियान भी चलाएं। उक्त बातें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रबंधक एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के संस्थाध्यक्षों की बैठक में कही। उन्होंने कोरोना की वर्तमान चुनौतियों और बदले युग में शिक्षा में किए जाने वाले अभिनव प्रयोगों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संस्थाध्यक्ष अनेक नवाचारों का प्रयोग करें, अत्याधुनिक तकनीक उपयोग में लाएं, शारीरिक दूरी और कोरोना से बचाव संबंधित सभी उपायों का ध्यान में रखते हुए हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की योजना बनाएं और इसे इस सत्र में से लागू करें। संस्थाओं में सॉफ्टवेयर ऐप सहित विविध तकनीक जो विद्यार्थी को घर रहे ज्ञान प्रदान करने का माध्यम बन सकते हो विकसित करें। हमें वर्तमान युग की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ज्ञान विज्ञान के अनेक नए नए रास्ते सुझाने भी होंगे और अपनाने भी होंगे। उन्होंने एक एक संस्थाध्यक्ष द्वारा संस्थाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त की, संस्थाओं द्वारा किए गए समय उपयोगी कार्यों का विवरण जाना, शिक्षण प्रशिक्षण हेतु किए जा रहे तकनीकों के उपयोग की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी संस्थाएं ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया अपनाएं, शुल्क जमा करने से लेकर विद्यार्थी और अभिभावकों की आवश्यकताओं को तकनीकों के आधार पर पूर्ण करने का प्रयत्न करें। विद्यालय का संचालन करने के उन तरीकों पर विचार करें जिससे कि छात्रों को शारीरिक दूरी एवं कोरोना से बचाव सभी उपायों का पालन करते हुए उन्हें योग्यतम शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। बैठक में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाएं अपने संस्थापकों द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को भी पूर्ण करेंगे। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:47 पर गोरखपुर से रवाना हो गए। बैठक में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य रामजन्म सिंह, प्रमथनाथ मिश्र तथा संस्थापकों में डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर प्रदीप राव, प्रोफेसर सुमित्रा सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कृष्णा चटर्जी, पंकज कुमार, मनीष दुबे, डॉक्टर हरेंद्र यादव, केशव त्रिपाठी, श्रीमती सरिता सिंह, डीएस अजिता, श्रीमती वंदना त्रिपाठी, श्रीमती सपना सिंह, डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, पटेश्वरी सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर वसंत नारायण सिंह सहित सभी संस्थाध्यक्ष उपस्थित रहे।